good morning dear students of class 4th so after your long summer vacation we are going to start a new chapter which is safety and first aid and i hope that you all are fine so in this chapter safety and first aid i had divided this chapter into two parts many is chapter code two parts may divide kiya, which is first is safety and second is first aid so uh, today in this class we will discuss about safety and then in our next video in our next class we will discuss about first aid so let's start the chapter what is safety safety kya hai as you all know that accidents may occur anytime एनी वे विदाउट गिविंग एनी वार्निंग एक्सीडेंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं क्या वो आपको इन्फॉर्म करके आते हैं या आपको वार्निंग देते हैं कि आज आपका एक्सीडेंट होने वाला है नो न सो एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सो वी ऑफन गेट हर्ट एट होम इन स्कूल इन द्ले ग्राउंड हम कहाँ कहाँ पर हर्ट हो सकते हैं कहाँ पर हमारा एक्सीडेंट्स हो सकता है हम जहाँ जहाँ रहते हैं जहाँ जाते हैं हर जगह कुछ ना कुछ गलत कुछ ना कुछ रॉन्ग हो सकता है हमारे साथ हमें हर्ट हर जगह हो सकता है बट हमें कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं जिससे हमें उस प्लेस पे हर्ट ना हो लाइक मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू आर केयरलेसनेस हम जब केयरलेस हो जाते हैं हमारे लाइफ को लेकर हम जब सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स उसी टाइम पर होते हैं वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकें सो लेट्स डिस्कस सेफ्टी एट होम first of all we will discuss the safety rules that we should follow at our home jo hume ghar mein follow karne chahiye like is lockdown mein aap apna most of the time home mein hi spend kiye hain so aapko aise kon kon se safety rules hai जो follow करने चाहिए। a wet floor is dangerous and can harm you look at this safety rules at home आपके जो वेट फ्लोर्स होते हैं जिसमें जो बहुत ही स्लिपरी हो जाते हैं ऑफ़ कोर्स वो ड्राई नहीं है वेट है गीला है तो उसमें क्या होगा आप स्लिप कर सकते हैं यू मे स्लिप एट इन एट द वेट फ्लोर एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो वेट फ्लोर है उसमें आप स्लिप कर सकते हैं so, सो आपको अपने होम में कोई भी फ्लोर चाहे वो आपके किसी भी रूम के फ्लोर हो आपके पूरे होम की बात हो रही है आपको फ्लोर वेट नहीं रखना है देन यू मे स्लिप और फॉल ऑन दी वेट फ्लोर ईजिली आप बहुत ही ईजिली वेट फ्लोर में स्लिप हो सकते हैं देन टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स कीप द फ्लोर ड्राई आपको अपने फ्लोर को ड्राई रखना है सूखा रखना है सो so, उसमें आप स्लिप नहीं होंगे देन सेकेंड पॉइंट इज़ फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी जो आपके किचन एंड बाथरूम यहाँ पे आपके क्या होते हैं वॉटर का यूज़ होता है सो so, वहाँ के फ्लोर्स को आपको ड्राई रखना है वहाँ पर आपको बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं रखना है सो इट प्रिवेंट यू फ्रॉम फॉलिंग और फ्रॉम स्लिपिंग नेवर लीव योर टॉयज़ ऑन दी फ्लोर ऑन स्टेज यू मे ट्रिप ओवर देम ने कभी भी आपको टॉयज या कोई भी मटेरियल आपको हमेशा अरेंज करके रखना है अपने होम में जिससे कि आप उसमें फंस कर स्लिप ना हो जाए या आपको हार्म ना पहुँचे आपको अपने स्टेयर्स में फ्लोर्स में हर जगह अपने जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसे अरेंज करके रखना है यू मे ट्रिप ओवर देम लाइक दिस लाइक दिस यहाँ पे देखिए ये जो आपके वायर्स हैं ये अरेंज नहीं हैं तो इसमें आप क्या हो सकते हैं ट्रिप हो सकते हैं आप फॉल हो सकते हैं देन पील्स ऑफ बनाना ये भी आपको अपने होम में ध्यान रखना है कि कभी भी आप कुछ भी ईट कर रहे हैं तो उसके कोई भी आ, ऐसा पील्स या कुछ भी आपको लेफ्ट नहीं करना है जिससे कि आप स्लिप हो जाएं क्लियर सो व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड फॉलो एट होम आई होप यू क्लियर नाउ फायर इन द किचन किचन में ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी आपको सीरियसली इंजरी हो सकती है अगर आपको किचन में फायर लग जाए फायर मींस आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आपके जो सिलेंडर हैं उसे आप हमेशा जब आपका यूज़ नहीं है लाइक like नाइट के टाइम तब आप उसे ऑफ़ कर दें क्यों ऑफ कर देंगे आप जिससे कि फायर लगने के चांसेस नहीं होंगे Like, there are some safety rules for that. In case of a gas leakage, open the doors and windows to let the gas out. डो नॉट लाइट मैजिस्टिक्स और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेज़ एट दी टाइम ऑफ गैस लीकेज दैट मीन्स कभी भी अगर आपके घर में सिलेंडर किचन में जो सिलेंडर होते हैं उसमें से अगर गैस लीक कर रही है तो आपको क्या करना है यू शुड ओपन दंडोज़ एंड डोरस आपको डोरस एंड विंडोज़ ओपन करना है जिससे क्या होगा कि जो गैस लीक हो रही है वो विंडोज़ एंड डोर से बाहर चली जाएगी एंड उस टाइम पे, बिकॉज़ वो जो गैस है वो हमारे एयर में प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में जो भी एयर है हमारे होम के अंदर उसमें प्रेजेंट है अगर आप उस टाइम पे लाइटर या मैच स्टिक का यूज़ करेंगे तो उसकी हेल्प से वहाँ पे फायर लगने के चांसेस होंगे ओके और कभी भी आपको उस टाइम पे जब गैस लीकेज हो रही है अनदर पॉइंट इज़ कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच आपको ऑन नहीं करना है ओके सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल कि ये आपको अभी भी गैस लीकेज होगा आपके किचन में तो आपको कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लेने हैं नाउ सेकेंड पॉइंट इज डो नॉट पिक अप एनी थिंग फ्रॉम अ बर्निंग गैस स्टोव अगर आपकी मम्मी कभी भी कुछ बना रही है या आप कभी भी कुछ कुक कर रहे हैं यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि अगर कभी भी कुछ कुक हो रहा है देन आपको अग उस टाइम पे उसे अपने हैंड से टच नहीं करना है अगर आप उसको अपने हैंड से टच करेंगे देन आपको बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है ओके लुक एट हियर ये कुछ ऐसे बी फायर सेफ सेव लाइव्स अगर कभी भी आप ऐसा टच करेंगे या हो सकता है कभी गैस लीकेज हो तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको इस इमेज से आई थिंक क्लियर होगा देन मूविंग टूवर्ड्स दिस थर्ड पॉइंट डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन दे कैच फायर ईजीली आपके जो भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं लाइक like आपके एक होते हैं आपके कॉटन क्लॉथ्स होते हैं जो आप समर में यूज करते हैं सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं सिंथेटिक क्लॉथ्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जल्दी से फायर लग जाते हैं अगर आपने एक एक पर्सन ने कॉटन क्लॉथ पहने हैं एंड एक ने सिंथेटिक क्लॉथ्स पहने हैं तो ये सिंथेटिक क्लॉथ्स में फायर बहुत ही ईजिली पिक करती है बहुत जल्दी लग जाती है इसीलिए अगर आप कभी भी कुछ कुक कर रहे हैं किचन में तो आपको सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनकर कुक नहीं करना है ना नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर प्ले विथ थिंग्स मेड ऑफ ग्लास दे कैन ब्रेक इजिली एंड कॉज कर्ट्स एंड वाउंड आपको कभी भी ऐसी किसी भी मटेरियल से खेलना नहीं है जो कि ग्लास से बनी हुई है ओके ऐसा क्यों बिकॉज अगर वो ब्रेक हुआ देन आपको उसमें से कट्स हो सकते हैं आपको उसको वो आपको हार्म कर सकती है ओके नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक्स

आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो रन नहीं करेगी ऐसे चीज़ों को ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस तो वो हमारे लिए जितने यूजफुल हैं उतनी हार्मफुल भी है बिकॉज अगर हम उसे केयरलेसली हैंडल करेंगे अगर हम उसे ध्यान से हैंडल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकते हैं एंड इट मे गिव अर शॉक आल्सो इलेक्ट्रिक शॉक भी मिल सकते हैं हमें सो वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड दैट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स नाउ फर्स्ट इज़ डो नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और स्विच विथ वेट हैंड्स और बेयर फुट आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अपने वेट हैंड से टच नहीं करना है अगर आपके हैंड्स में वाटर है वेट है आपका हैंड तो आपको उस हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा करंट लग सकता है आपको ओके एंड और बेयर फुट बेयर फुट मीन्स अगर आपने अपने पैर में अपने फुट में कुछ भी ऐसा आ, सैंडल या अगर आपने कुछ पहना हुआ है देन इट्स ओके स्लीपर पहना है आपने देन इट्स ओके बट अगर आपका फुट बेयर है इट मीन्स आपने पैर में कुछ नहीं पहना है तो आपको उसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को यूज़ नहीं करना है दैन एंड ये आपका उसी टाइम पे होगा अगर आपको आ, ऐसा लग रहा है कि आप वेट हैंड से यूज़ कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को टच कर रहे हैं तो आपको क्या करना है किसी भी एक वुडन स्टिक को यूज़ कर लेना है या अपने फुट में अपने पैर में आपको कुछ ना कुछ स्लीपर या कुछ पहन लेना है देन नेक्स्ट इज़ डू नॉट गो क्लोज टू हीटर्स और टेबल फैंस वैन दे आर ऑन आपको कभी भी टेबल फ़ैन या हीटर्स के पास नहीं जाना है जब वो ऑन है बिकॉज उसमें क्या होगा कि आपको वो हार्म कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस अभी ऑन हैं वो चल रहे हैं अगर आप उनके पास जाएंगे तो वहाँ से आपको हार्म हो सकता है टर्न ऑफ द स्विचेस बिफोर टचिंग देम आपको अगर उसे टच करना है अगर आप चाहते हैं उस टेबल फ़ैन को टच करना देन आपको क्या करना है उस स्विच को ऑफ करना है जिससे आप उनको टच कर सकते हैं लाइक यू कैन सी हियर कि ये है आपके इलेक्ट्रिक शॉक्स आप देखिए अगर वो अपने हैंड से डायरेक्टली उन स्विचेस के अंदर उसे टच कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है सो यू शुड बी केयरफुल फॉर दिस नाउ नेक्स्ट इज़ डू नॉट टच अ डैमेज वायर ऐसे वायर जो कि डैमेज हो चुके हैं आपको उसे यू टच नहीं करना है यूज़ बिल्कुल नहीं करना है बिकॉज़ उससे भी आपको करेंट मिल सकते हैं देन

सप्लाई होती है उस मेन स्विच को आपको ऑफ कर देना है उससे क्या होगा कि उनको जो इलेक्ट्रिक शॉक मिल लगा है वो वहाँ पे रुक जाएगा आपको उस पर्सन को डायरेक्टली टच नहीं करना है यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर दिस ओके नाउ पॉइजनिंग टू अवॉइड पॉइजनिंग वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स पॉइजनिंग इट मीन्स वो तो आपको कहीं से भी हो सकता है अब वो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से हो सकते हैं नेवर टेक एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और अ डॉक्टर गिव्स इट टू यू आपको कभी भी मेडिसिन अपने पेरेंट्स या डॉक्टर्स से एडवाइस लेकर ही लेना है उन्हें बताकर ही लेना है या वो आपको जो बोलेंगे आपको वही लेना है आप किसी भी ऐसे मेडिसिन को अपने से नहीं ले सकते हैं ओके इस इमेज से आपको क्लियर होगा कि आप अभी छोटे हैं आपको कभी भी विदाउट डॉक्टर या पेरेंट्स के एडवाइस के कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है देन नेक्स्ट पॉइंट इज all poisonous chemicals like floor cleaners and detergents should be kept away from children. जितने भी ऐसे detergents हैं आपके घर में या floor clean करने के आपके liquids हैं उन सब से आपको क्या करना है दूर रहना है because it may harm you. ये आपको harm कर सकते हैं जितने भी children हैं उनको डिटर्जेंट्स या जेस जो भी लिक्विड्स आपके घर में यूज़ होते हैं उन सब से आपको दूर रहना है आपको उनके पास नहीं जाना है आप तभी उनके पास जाएंगे जब आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स आपके साथ होंगे now next is do not eat stale, spoiled and exposed food. it can cause food poisoning. आपको ऐसे फूड नहीं खाने हैं जो कि exposed हैं इट means जो फ़ूड आपके ढके हुए नहीं हैं एक्सपोज हैं एयर के साथ वो फूड नहीं लेना है ऐसे फूड नहीं लेना है जो कि स्पॉइल्ड है इट मीन्स वो सड़े हुए हैं हियर, यहाँ पे स्पॉइल्ड फूड है ये आपको नहीं लेने हैं न स्टेल फूड स्टेल फूड मीन्स आपके कल के बचे हुए फूड को आपको आज नहीं लेना है आपको ओनली आज जो बनाया गया है वही ईट करना है ओके नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड नाउ वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल प्लेइंग वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन द प्ले ग्राउंड हमें जब हम प्ले ग्राउंड में खेलने जाएंगे, जब हम प्ले करने जाएंगे, तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होंगे आपको पता है ना कि आपको सबसे ज़्यादा इंजरीज कहाँ आती है प्ले ग्राउंड में आती है सो फर्स्ट इज़ डो नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल्ड प्लेइंग आपको एक दूसरे को पुश नहीं करना है लाइक इन दिस पिक्चर आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक दूसरे को हिट नहीं करना है मारना नहीं है एक दूसरे को पुश नहीं करना है ओनली यू हैव टू प्ले नाउ नेक्स्ट इज डो नॉट प्ले रफ़ गेम्स आपको रफ़ गेम्स नहीं खेलने हैं रफ़ गेम्स खेलने से आप लोगों को हर्ट हो सकता है एक दूसरे को हर्ट करने से उसमें इंजरीज आ सकती हैं अगर इंजरीज आएंगी तो किसको प्रॉब्लम होगी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी इसीलिए आपको एक दूसरे को हर्ट हिट भी नहीं करना है हर्ट भी नहीं करना है एंड आपको ऐसे रफ़ गेम्स प्ले नहीं करने हैं जिससे किसी भी अदर पर्सन को आपके साथ खेलने वालों को प्रॉब्लम हो देन नेक्स्ट इज़ स्टे अवे फ्राम द स्विंग्स वैन सम वन इज़ यूजिंग दैम अगर कोई स्विंग्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको उन स्विंग्स से दूर रहना है बिकॉज क्या होगा जब वो स्विंग्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी उसमें इंजरी हो सकती है ओके ओके नेक्स्ट पॉइंट इज Do not jump from the seesaw without informing your partner. पार्टनर आपने सी शो तो देखा ही होगा आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा उसमें ज़रूर आपने प्ले किया होगा तो ये सी शो में जब आप कभी भी इसमें प्ले करें तो आप अपने पार्टनर को जो आपके साथ में उसमें प्ले कर रहे हैं उस पार्टनर को आपको इन्फॉर्म करना है कि हाँ अब एंड हो गया ये गेम मैं यहाँ से उतर रहा हूँ या उतर रही हूँ वहाँ पर आपको विदाउट इन्फॉर्म किए नहीं उतरना है नहीं तो उसमें क्या होगा कि अगर आप वहाँ से जैसे ही हटेंगे तो वो पूरा वेट उनके ऊपर आ जाएगा और वहाँ पर उस पार्टनर को हर्ट हो सकता है इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी प्ले करें तो आप शीशों में अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करके ही उतरें ओके आई होप दिस दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल सो we had seen in this video safety at home fires in the kitchen slipping on the floor electric shocks then playing in the playground poisoning this all much we have seen so i hope you all like this video you all like this images thank you so much